ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वीडियो ठीक से सेट कर दो देवी कृष्ण मई प्रोक्ता देवी कृष्ण मई प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी मई सर्व सर्वलक्ष्मी मई सर्व कांति सम्मोहिनी परा कांति सम्मोहिनी

देवी कृष्ण मई प्रोक्ता राधिका परदेवता देवता देवी कृष्ण मई प्रोक्ता राधा पर देवता सर्व लक्ष्मी कांति सम्मोहिनी परा सर्वलक्ष्मी लक्ष्मी मई सर्व कांति सम्मोहिनी परा देवी तेजोमयी देवी, तेजो देवी कृष्णमयी भगवान कृष्ण से अभिन्न प्रोक्ता कहलाने वाली राधिका श्रीमती राधिका रानी श्रीमती राधा रानी परदेवता अत्यंत पूज्य मई सारी लक्ष्मियों से बढ़कर सर्वकांति सर्वकांति से युक्त सम्मोहिनी भगवान कृष्ण को पूर्णतया मोहने वाली परा पराशक्ति परा मढ़ाव परा। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप हैं वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व हैं वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं वे भगवान के आदि अतरंगा शक्ति हैं तात्पर्य यह श्लोक बृहद गौतमीय तंत्र से लिया गया है जन्माष्टमी के अवसर पर राधा रानी का स्मरण करने का सुजोग है आचार्यों ने सब बात को लिख दिया है हम लोगों को तो केवल उसको पढ़ना है Uh, कल हम लोग इस श्लोक के विषय में कुछ चर्चा किए थे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण के एक श्लोक की व्याख्या के क्रम में इन सब बातों को रख रहा है राधाया प्रणय विकृति लादनी शक्ति रश्मात प्रणय विकृति इसे व्याख्या कर रहे हैं उसी में राधा रानी के विषय में भी बतला रहे हैं श्लोक उद्धृत किए हैं बृहद गौतमीय तंत्र का करें कि राधिका देवी प्रोक्ता राधिका कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता प्रोक्ता राधिका सर्वलक्ष्मीमयी प्रोक्ता राधिका सर्व कांति प्रोक्ता राधिका मोहिनी परा प्रोक्ता बनावट की दृष्टि से अश्लोक एकदम आसान है और अश्लोक की व्याख्या स्वयं ग्रंथकार ही कर रहे हैं इसलिए अलग से बहुत भाषण करने की जरूरत नहीं दिख रही है राधिका देवी प्रोक्ता राधिका को देवी कहा गया देवी का क्या मतलब होता है देवी कहे द्योतमाना परम सुंदरी देवी का सीधा अर्थ है के जो जगमग कर रही है जिसे चमक निकल रही है जो प्रकाश युक्त है दीप्ति युक्त है तो इसको देवी कहेंगे वे प्रकाश तो बल्ब से भी निकलता है आग जला देंगे तो वहां से भी प्रकाश चमक निकलेगा आगे कि ना ना उस अर्थ में परम सुंदरी देवी कहने का अर्थ है दोतम कहने का अर्थ है ए, अपने सौंदर्य से वो दिक्त है वह परम सुंदरी है और राधा रानी सौंदर्य के विषय में कल हम लोग चर्चा कह किए हैं अब आगे कह रहे हैं कि वृष्ण पूजा क्रीडार बसती नगरी कृष्ण पूजा क्रीड़ा बसति नगरी ये देवी का दूसरा अर्थ है कि वह कृष्ण पूजा और कृष्ण क्रीडा के लिए नगर रूप निवास है क्रीड़ा का निवास है राधा रानी कृष्ण पूजा का निवास है यह नहीं कह रहे हैं कि निवास है नगर निवास वही निवास, है। निवास है। तो देहात में भी होता है गांव में भी होता है लेकिन गांव में बड़ी सीमित संसाधन होता है यद्यपि बहुत अच्छा होता है अब गांव में क्रीड़ा के लिए साधन खोजिए तो कुछ लड़के फुटबॉल रखे हैं क्रिकेट का साधन रखे हैं बहुत बहुत क्रीड़ा का साधन तो नहीं मिले किसी गांव में जाइए और कुछ लड़के फुटबॉल लेकर रखे हैं उसी से खेलते है। वो छो हैं कुछ नेट बांध करके हैंड वॉलीबॉल कहते हैं वो मिल सकता है अभी कम जगह क्रिकेट का इस समय कुछ मिलता है बहुत बहुत चीज नहीं मिलेगा शहर में चले जाइए बड़ी बड़ी दुकान है क्या क्या क्रीड़ा का सामग्री वहां है बसती नगरी वो राधा रानी कृष्ण क्रीड़ा के लिए वो नगरी है नगर में बहुत लोग रहते हैं और बहुत बहुत समान है एक मॉल में जाइए कितना कितना समान है कृष्ण के क्रीड़ा के लिए जिस सामग्री की जरूरत है जिस ढंग के क्रीडा की जरूरत है राधा रानी सब सुलभ करा दे सब वहाँ सुलभ इस अर्थ में बसती नगरी कर बस्ती कह देते और कोई कोई गांव है कि वहां तो फुटबॉल छोड़ कर दूसरा कुछ है ही नहीं है क्रीड़ा का साधन आज भी लेकिन बड़े बड़े नगर हैं हम तो निवार को नहीं जानते हैं दिल्ली गुड़गांव में चले जाइए <laughs> और कितना कितना दुकान पड़ा है सब उसमें सामग्री है ना तो राधा रानी देवी कह रहे हैं तो ये जो देवी शब्द है वो तो कई एक अर्थ में प्रयुक्त होता है देवी शब्द का आप डिक्शनरी से रूट से मीने निकालेंगे तो प्रीति जिगीसा इच्छा प्रण व्यवहार करण द्योति क्रीड़ा गति कम से कम इतना तो जरूर मिलेगा जो प्रीति अर्थ है तो ऐसे को पूजा के अर्थ में ले रहा है पूजा से प्रसन्नता ही प्राप्त किया जाता है किसी की पूजा करते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए प्रीति विधान के अनेक अनेक संसाधन राधा रानी के पास हरे क्या सब संसाधन इस समय दुकान का एडवरटाइजमेंट लिखते हैं पहले तो हमको समझ में नहीं आया वृंदावन में पढ़ा ऑल इन वन ये क्या लिखा है <laughs> कोई एक दिन तक नहीं समझ में आया लेकिन बाद में समझ में आया कि किस अर्थ में लिखे है अस्पष्ट <laughs> अर्थ कर रहे हैं कि वाकि वा मतलब अथवा एक तो देवी का अर्थ कर दिया द्योत माना परम सुंदरी दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि कृष्ण पूजा कृष्ण क्रिष, कृष्ण पूजा क्रीड़ा बसती नगर कृष्ण के पूजा के लिए और कृष्ण के क्रीड़ा के लिए राधा रानी बड़ा नगर के समान है मतलब जो सामग्री चाहिए जैसा सामग्री चाहिए कृष्ण को सब सुलभ कराने में सक्षम इसलिए उनको देवी कहा गया व्याख्या की जरूरत है ये जो क्लास दी है माता जी कह रही थी कि सात दिन क्लास दीजिए। उस समय तो हम मना कर दिया बाद में चुना तो लगा कि वास्तव में ये तो <laughs> कम से कम सात दिन का <laughs> खुराक है और अब दूसरे शब्द की व्याख्या कर रहे हैं देवी का कर लिए कृष्ण मई कृष्णमय उसी का स्त्रीलिंग हो जाएगा कृष्णमय हम लोग तो व्याकरण पढ़े नहीं <laughs> लेकिन जो पढ़ते हैं तो ये मयट प्रत्यय जोड़ते हैं मयट प्रत्यय अभिन्नता के अर्थ में होता है प्रचुरता के अर्थ में होता है जहां कृष्ण की प्रचुरता है ये स्त्री में कृष्ण की प्रचुरता है तो कृष्णमयी हुई या जो कृष्ण से अभिन्न है तो वह कृष्णमयी हुई एक उदाहरण से समझ सकते हैं संस्कृत में मिट्टी को क्या कहते हैं मृतिका तो घड़ा को क्या कहेंगे मृतिका मई घड़ा में मिट्टी का कितना रिलेशन है तो इससे समझ सकते हैं कि कृष्णमयी कहने का क्या अर्थ है घड़ा का क्या मतलब है अरे भाई घड़ा बाहर भी मिट्टी है भीतर भी मिट्टी है मिट्टी पर ही टिका हुआ है रखा भी गया है ढकना भी मिट्टी का <laughs> घड़ा में मिट्टी की प्रचुरता है ना <laughs> तो कोई तो केवल मिट्टी ही है और क्या है जल सौर और, और तो सब सूख गया जैसे घड़ा को कहा जाए कि मिट्टी में है तो कुछ आपको कल्पना आ रही है ना तो वैसे ही राधिका को कृष्णमयी प्रोक्त है तो उसको कृष्णमयी कहा गया है लेकिन कोई कहेगा कुछ मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तब कह रहे हैं कृष्ण जात भीतर है बाहिरे कृष्णमयी का अर्थ है कि कृष्ण जिसके बाहर भीतर सब जगह जहां जहां नेत्र पड़े ताहा कृष्ण स्थूरे और कृष्ण भीतर भी है हम लोग है, आँख खोलते हैं तो बाहर की दुनिया को देखते हैं और आंख बंद कर लिए तो बाहर कुछ दिखता नहीं है बाहर का विषय नहीं दिखता है लेकिन फिर भी वो शून्य नहीं हो जाता है भीतर कुछ देखते हैं ना तो राधा रानी आंख बंद कर ले और भीतर कृष्ण का ही चित्र दिखने लगता है उनके हृदय पटल पर ही उनका मयूर पंख दिखने लगता है सांवला रंग दिखने लगता है पूरा मूर्ति ही अंकित हो जाता है और इस अर्थ में भीतर भी कृष्ण है और आंख खोलने पर जिधर दृष्टि पड़ी तो कृष्ण ही का स्मरण हो जाता है तो गाय पर दृष्टि पड़ी तो कृष्ण के गोचारण लीला की स्मृति हो गई ऊपर आकाश पर दृष्टि पड़ी और कृष्ण के सांवले श्री विग्रह का स्मरण तो जिधर दृष्टि पड़ने पर कृष्ण ही का स्मरण होता है कृष्ण ही दिख जाते हैं आप लोग है उद्धव जी के प्रसंग में पढ़ते हैं उद्धव जी नंद बाबा को समझा रहे थे नंद बाबा कह रहे थे कि हम क्या कहें जब से कृष्ण गया तो हम लोग तो रात दिन उसी को सोचते रहते हैं शिथिला क्रिया हम लोग कुछ कर नहीं पाते बस कृष्ण ही चित्त पर छाया हुआ हाँ उद्धव जी मानो कहे अरे घर में बैठे रहेंगे एक जगह तो यही होगा ना थोड़ा सा घूमना फिरना चाहिए जमुना जी के किनारे जाइए खेत बधार में जाइए घूमिए फिरे मन बहलाव कीजिए तब वो तो, तो और बुरा हो जाता है नंद बाबा कह रहे है उधर जाने पर तो कृष्ण का चरण चिन्ह दिख जाता तो मनो या तदात्मता अब तो मन उसी में लीन हो जाता है कोई फायदा नहीं है हम वो भी करके देखे हैं केवल घर में बैठने रहने से बात नहीं है बाहर जाने पर तो एकदम वही छा जाता है। तो राधा रानी के विषय में कह रहे हैं कि जहां जहां नेत्र पड़े ताहा कृष्ण फूरे जिधर दृष्टि पड़ती है और उधर का कोई ना कोई चीज उद्दीपन का बन जाता है वही कृष्ण के स्मरण को बढ़ा देता है ये, ये कह रहे हैं केव प्रेम रसमय कृष्ण र स्वरूप तार शक्ति तार तो ये प्रचुरता के अर्थ में है और जैसे मृतिका मई घड़ा को कहते हैं मिट्टी मई है, है मतलब घड़ा में और मिट्टी में भेद नहीं है और उसी तरह मई कहने का अर्थ है कि कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है वे राधा रानी महाभाव स्वरूपा है ये महाभाव क्या है ये अतरंगा शक्ति की वृत्ति है भक्ति का उच्चतम अवस्था है प्रेम का उच्चतम अवस्था है ये भक्ति प्रेम ये सब भगवान के अतरंगा शक्ति की वृत्ति है हलादनी शक्ति की तो हलादनी शक्ति के चरम परिणति चरम परिणति श्रीमती राधा रानी अब उनके ह्लादनी शक्ति मूर्त रूप में राधा रानी के रूप में प्रकट है तो एक तरह से कृष्ण और राधा रानी में कोई भेद नहीं है पहले भी श्लोक आया है कि दोनों तो एक ही थे लीला के लिए अलग अलग हुए और राधिका कृष्णमयी प्रोक्ता और कृष्णमयी को दो रूप में समझेंगे कि राधा रानी के जीवन में कृष्ण की प्रचुरता या राधा रानी और कृष्ण में अभिनता दोनों एक इस अर्थ में और अब कृष्णवांछा पूर्ति रूप करे आराधन अत एवं राधिका नामे पुराणे बखाने राधा रानी कृष्ण के इच्छा पूर्ति रूप आराधना करती हैं जैसे कृष्ण की इच्छा है तो उसके अनुरूप व्यवहार करती हैं और इसी से उनका नाम राधिका है वे कृष्ण के आराधना करते उनकी इच्छा की पूर्ति करती हैं इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती हैं तो इसी से उनको राधिका कहा जाता है और इस विषय में प्रसिद्ध श्लोक है अन्य नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम नह, याम अनयद्र इसको उद्धृत कर रहे हैं तो राधिका शब्द का अर्थ बतला तो अतएव सर्व पूज्या परम देवता सर्व पालिका सर्व जगतेर माता राधिका परदेवता प्रोक्ता राधा रानी को पर देवता कहा गया है देवता का अर्थ होता है पूज्य राधा रानी परम देवता है सबके पूज्य है और देव देवता लोग पालन करते हैं तो इस अर्थ में भी सर्वपालिका राधा रानी सबकी पालन करने वाली सर्व जगत माता सारे जगत के माता के रूप में जैसे आप देवी का दो अर्थ सुने द्योतमाना और आराधी का पूजा क्रीडा की सामग्री कृष्णमयी का दो अर्थ सुने कृष्ण की प्रचुरता या कृष्ण से अभिन्न देवता का भी दो अर्थ बतला रहे हैं दो अर्थ है सर्व सर्वपूज सबके पूज्य हैं और सर्व पालिका सबके पालन करने वाली जैसे माता पालन करती है वैसे सबके पालन करने वाली है इस अर्थ में परदेवता वे आराधिका है तो परदेवता कैसे हो गई देखिए यही कृष्ण आराधना का फल है अब राधा रानी की बात तो दूर है उनके किस स्तर की आराधना है तो हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते जो साधारण भक्त है शुद्ध भक्ति प्रारंभ किए हैं और वे भी पूज्य हो जाते हैं उससे लोग प्रेम करने लगते हैं प्रीड़नम सर्व जगता अनुरक्त जो साधन भक्ति प्रारंभ करता है लोग उससे प्रेम करने लगते हैं उससे अनुरुक्त हो जाते हैं एक संत की उक्ति याद आ जाती है अरे भक्ति की बात तो दूर हम लोग तो ढोंगा कर रहे हैं ना ढोंग करने का भी फायदा मिलता है कोई रोटी दे रहा है कोई कपड़ा दे रहा है कोई पैसा दे रहा है माला पान आ रहा है भक्ति का ड्रामा करने से हम लोगों को ये सब मिल रहा है भक्ति करने पर क्या मिलेगा बरसाना के परम पूज्य रमेश बाबा हैं ऐसा बोल रहे तो भक्ति का ढोंग करने से इतना हो जाता है अरूप गोस्वामी लिखे हैं कि साधन भक्ति के स्तर पर ही उसके चार गुण उभरने लगते हैं नहीं मैंने छ गुण में जो सुभदा है तो कम से कम चार शुभ का उल्लेख किए तो चार शुभ में ये प्रीणनम सर्व जगता में जगत को प्रसन्नता होती भक्ति हम कर रहे हैं और इसका इफेक्ट होगा कि दूसरे को भी प्रसन्नता का अनुभव होगा जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं तो आसपास के दूसरे प्राणी भी बहुत प्रसन्न रहते हैं और प्रेम करने लगते हैं सदगुण आ जाता है और सुख की प्राप्ति होती है तो साधारण भक्ति साधन के स्तर पर भक्ति का ये प्रभाव आ जाता है ये लोग प्रेम करने लगते हैं गिफ्ट देने लगते हैं, और राधा रानी तो सबसे बड़ी आराधिका है तो सबसे बड़ी देवता हो जाएंगी ना सब लोग प्रेम करते हैं। भगवान भी विधि ही बना दिए महात्मा नष्ट पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रित भजन अनन्य मनुष्य ज्ञात्वा भूता दिमव्य वे हमारी भजन करते हैं महात्मा लोग लेकिन दैवी प्रकृति माश्रिता राधा रानी का आश्रय लेकर के राधा रानी कृष्ण की सबसे बड़ी आराधिका है इसलिए सबसे बड़ी पूज्या है अब साधारण व्यक्ति के पूज्य हैं ये क्या कहा जाए कृष्ण के भी पूज्य बन गई है कृष्ण भी उनकी पूजा करते तो पर देवता और सर्वलक्ष्मी अब राधिका सर्वलक्ष्मी मई प्रोक्ता <coughs> सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्व करिया व्याख्यान सर्वलक्ष्मी गणिति हो अधिष्ठान तो सर्वलक्ष्मी मई प्रोक्त अब इसका भी दो अर्थ कर रहे हैं देखिए जो लक्ष्मी तत्व है तो उसका तीन विभाजन किया गया है एक तो बैकुंठ बहुत बहुत बैकुंठ है जहां भी नारायण विग्रह है विष्णु विग्रह है उनकी पत्नी भी हैं, क्षीर समुद्र में है वैकुंठ में है कहाँ कहाँ है जो भी लक्ष्मी है तो वे भी राधा रानी के ही विस्तार हैं और मथुरा में या द्वारका के जो रानियां हैं तो वे भी लक्ष्मी के ही राधा रानी के विस्तार हैं और जो गोपियाँ हैं वे भी राधा रानी के विस्तार हैं तो सर्वलक्ष्मी मई प्रोक्ता सर्वलक्ष्मी मई कहा गया पर इसका अर्थ है कि चाहे वो लक्ष्मी गण हो या महिषी गण हो या गोपी गण हो तीन गण है भगवान के जो माधुर जो रस की उपासिकाएं हैं उनको तीन भाग में बांटा गया लक्ष्मी गण महिषी गण और गोपी गण तो कोई भी गण हो वो है राधा रानी का ही विस्तार वहीं से सब निकली हैं तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि सर्व लक्ष्मी मई जैसे स्वयं भगवान है तो उनमें जितने भी भगवत स्वरूप हैं सब उनके अंतर्गत है उनसे बाहर नहीं है तो वैसे ही चाहे वो गण का हो चाहे गण या गण, सब राधा रानी के भुक्त हैं इस अर्थ में सर्व लक्ष्मी में प्रोक्ता एक अर्थ या लक्ष्मी का अर्थ ऐश्वर्य होता है कृष्ण स्वर्ग पूर्ण है और छो ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री राधा रानी इसे कह रहे हैं कि सर्व सर्वलक्ष्मी गणती अधिष्ठान कि वह लक्ष्मी कृष्ण नहीं इसका आगे किवा सर्व कि सर्वलक्ष्मी कृष्ण ऐश्वर्य तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वर्य समझ रहे हैं दो अर्थ में लक्ष्मी मई लक्ष्मी भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान हो सौंदर्य हो और भी जो ऐश्वर्य है तो उसके अधिष्ठात्री श्रीमती राधा रानी या भगवान के जो भी पत्नियां हैं प्रेमिकाएं हैं लक्ष्मी हो महिषी हो या गोपी हो सब राधा रानी के अंदर ही है सब इन्हीं के विस्तार है इस अर्थ में और सर्व सौंदर्य कांति वयस जहाते और सर्व लक्ष्मी गणेर शोभा है जहा है कह रहे हैं ये राधिका सर्व कांति प्रोक्ता है ये शब्द है ना मई सर्व कांति प्रोक्ता है तो सर्व कांति कहने का अर्थ है कि कहीं भी जो शोभा है सौंदर्य है तो है, है तो राधा रानी से निकला है चाहे लक्ष्मी में हो महसी में हो गोपी में जो भी शोभा है उसका मूल श्रीमती राधा रानी है तो सर्व लक्ष्मी मई कहने का यह आशय है भाई कोई सुंदरी है उम्र है सुकुमारता है जो भी सौंदर्य है किसी में महिषी में या लक्ष्मी में या गोपी में उसके मूल श्रीमती राधा रानी उत्स वही है एक अर्थ हुआ और किवा कांति शब्दे कृष्ण सब इच्छा कहे कृष्ण रकल मांशा राधा राधा तेई रहे ये कांति कह का अर्थ इच्छा होता है सर्व तो कांति मतलब राधा रानी कृष्ण के सारी इच्छा की पूर्ति करती या राधा रानी मिल गई तो कृष्ण के सारी इच्छा पूर्ण और राधा रानी नहीं है और कृष्ण की सारी इच्छा अपूर्ण एक कांति कौ इच्छा के अर्थ में होता है कृष्ण के सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाली राधिका कृष्ण रकल वांछा राधा तेई रहे कृष्ण के सारी इच्छा राधा रानी में है राधे का करे न कृष्ण वांछित पूरण सर्व कांति शब्द रही अर्थ विवरण सर्वकांति का सीधा सा अर्थ है कि राधा रानी कृष्ण के सारी इच्छाओं को पूर्ण करती और जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अतय समस्तिर परा ठाकुरानी में स्थापित बात है के कृष्ण सारे संसार को मोहित करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं और कृष्ण को भी जो आकर्षित कर लेती है वह है परदेवता आकर्षण कई एक दृष्टि से थोड़ा अनुवाद निकालो तो कृष्ण मई प्रोक्ता पीछे अनुवाद जो है अनुवाद है, बहुत सुंदर किया गया है वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त है कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले लेकिन कृष्ण को आकर्षित करने के लिए जो भी आकर्षण हो सकता है वो सब राधा रानी में ये बहुत अच्छा अनुवाद है सम्मोहिनी परा कृष्ण तो सम्मोहन है सबको मोह लेते हैं उनके पास भी अद्भुत मोहन शक्ति है अब राधाष्टमी है तो उधर जाने पर तो मूल विषय ही छूट जाएगा <laughs> कास्त्रंगते कलपदायत मूर्चिते सम्मोहितार्ज चरित् न चलित्र कि कोई स्त्री होगी तो ऐसा नहीं होगा को धर्म मर्यादा से विचलित ना हो जाए का स्त्री है का पुरुष समझते हैं जिसमें पुरुषत्व नहीं है उसको का पुरुष कहेंगे और तो जिसमें स्त्रीत्व तो नहीं है वो का स्त्री है और का स्त्री न चले त्रिलोकी में केवल जो का स्त्री है वही कृष्ण के बंसी को सुन लें या उनके रूप को देख लें तो आर्ज मार्ग से विचलित नहीं होंगी। स्त्री होगी तो विचलित जरूर हो जाएगी <laughs> या इसका दूसरा अर्थ है का स्त्री कौन स्त्री है जो आपके बंसी की ध्वनि सुन ले और आपके रूप को देख ले तो विचलित न हो जाए तो कोई कोई सखी कहते हैं कि कृष्ण बंसी बजा करके खींच लेते हैं तो हम तो उपाय चुन ली कानन दे अंगुरी हम रही <laughs> हम कान में उंगली डाल कर कहें भले ही अटारी पर चढ़ करके बजाते रहे बजाते रहे हमारे कान में ही नहीं पड़ेगे कुछ करेंगे लेकिन कह रहे कि भाई इसका तो प्रतिकार में चुन ली लेकिन भाई एक चीज साफ में कह देना चाहते तो घोषणा करके कि तुम लोग कितना हो समझाओगी हमको वो मुस्का देंगे मुस्कान पर दृष्टि पड़ी जाएगी तो अब हम अपने को नहीं संभाल पाएंगे पहले से हम घोषित कर देते हैं डिक्लेयर कर देते हैं कि बंसी से बचने का तो आवाज़ चुन लेंगे उपाय चुनूंगी लेकिन मुस्कान से नहीं बच सकती कृष्ण परम आकर्षक है देखिए अब थोड़ा सा कल की बात याद कीजिए हम लोग लावण्य की चर्चा कर रहे थे इस संसार में कामदेव किसी को मोहित कर लेते लेकिन कृष्ण के सौंदर्य को देह करके कामदेव बाण छोड़ दिए उसके घमंड को खत्म कर दिए कृष्ण एक कामदेव सुंदर है आकर्षित सबको कर लेते हैं लेकिन कृष्ण के आगे वे भी फेल है ब्रज के नहीं द्वारका के स्त्रियां इतनी सुंदर हैं कि उनके हाव भाव को देख करके कामदेव अपना धनुष लज्जित हो करके अपना धनुष बाण का त्याग कर दिए अब उनके मन में विचार आया कि ये जो द्वारका की स्त्रियां है और इनका जो कटाक्ष है वो इतना प्रबल बाण है कि उससे के सामने तो हमारा बाण नगण्य है अब हमको रखने की जरूरत नहीं है कैसे प्रसिद्ध कुहकर नशे को आए हा तो शुरू का क्या है आ उदाम भाव पिसना मलबल गुहास व लोक निहतो मदनो पिजास ब्रीड़ा व लोक अवे लज्जा जो चितवन से देखती है आ, उससे कामदेव लज्जा लज्जित हो गए और ऐसा अनुभव करने लगे कि ये इनका जो आंख रूप धनुष बाण है अब उसके आगे तो हमारा बाण बिल्कुल निष्फल है कोई तुलना ही नहीं है तो उसको रख दिए लेकिन कृष्ण पर उसका असर कुछ नहीं होता है ये बात जरूर है कि कुहकर्ण से कु, जो स्त्रियों का कपट व्यवहार है और उससे कृष्ण पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता वो प्रेम से प्रभावित तो है प्रेम से बंधे हुए हैं लेकिन भगवान स्त्री का रचना किए हैं कवियों ने कहा है अरे शराब असर डालता है लेकिन उससे प्रबल नशा देने वाली स्त्री है तो इसलिए उनको प्रमदा कहा जाता है मद का स्त्रीलिंग मदा होगा और मद के सेवन करने से नशा चढ़ता है शराब पिएंगे नशा चढ़ जाएगा स्त्री शराब से तुलना नहीं किया जा सकता शराब से उनका स्थान ऊपर है इसलिए प्रकृष्ट वो प्रकृष्ट मद है और यह बिल्कुल स्थापित बात है अंग्रेजी का एक राइटर लिखा है नाम इस समय नहीं आता है वाइन कंज्यूम द होल्डर वीमेन कंज्यूमड होल्डर एंड बी होल्डर देखने से ही नशा चढ़ जाता है और कवियों ने वर्णन किया है कि अंग अंग में उनका नशा है वो दृष्टि से नशा चढ़ जाता है और अब वो कहीं दृष्टि का बाण ऐसे कोई योद्धा नहीं है कोई वीर नहीं है नारी सरासन जा ही इससे पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि स्त्री के नारी सरासन स्त्री के दृष्टि रूप बाण से जो घायल नहीं हुआ आप अपने जीवन को जांच सकते हैं फ्लैश बैक करके सकते देख सकते हैं कि क्या बचे हैं वे जब कुछ भाव प्रकट करते हैं तो पुरुष अवश्य है क्योंकि इसी के लिए ब्रह्मा जी सृष्टि ही किए अब मैं बहुत इस पर भाषण नहीं करना चाहता हूँ लेकिन कोई कोई स्पष्ट ग्रंथ में लिखे हैं कोई कोई स्त्री है पुरुष को आकर्षित करना है तो कई एक उसके पास साधन है खास करके वह अपने आँख को नचा देती है तो अब किसी का भी धैर्य खत्म हो सकता है और जो द्वारका की महिषियाँ हैं उनके हाव भाव को देख करके तो मदन काम देव सरेंडर कर गए ये इतना तगड़ा साधन है किसी को आकर्षित करने के कि हम उसके आगे तो फीका है हमारा बाण कोई काम नहीं इतना तगड़ा नहीं लेकिन भगवान कृष्ण उससे आकर्षित नहीं उससे मोहित नहीं होते हैं वे कृष्ण पर सक्षम नहीं हो पाती है वो सब हाव भाव से अब जो महिषिया है द्वारका के भगवान की ईरानिया है तो उनका क्या सौंदर्य है इसका एक अनुमान आप कर सकते हैं जैसे लुक रुक्मिणी जी भी है, उसमें हैं और रुक्मिणी एक विवाह का अवसर था एकदम विवाह नजदीक आ गया था कृष्ण को पत्र लिखे उनके घर के हिसाब से तो विवाह का कृत्य प्रारंभ हो चुका था अब वे विवाह के कृत्य के रूप में गौरी जी का पूजा करने गए और उधर से वे पैदल ही लौट रही थी और उनका अंग फड़क रहा था और उससे अनुमान कर ले कि लगता है कि कृष्ण का आगमन हो गया और ब्राह्मण को भी देख ली तब तो उनका कन्फर्म हो गया और पहले तो ऐसे घूंघट करके गई थी और केवल सखियों का हाथ पकड़ी थी और विवाह के अवसर पर सजाया गया था और जो अंगूठी ग्रह था तो उसी को देख करके राजा लोग मोहित हो गए उनका मुख नहीं देख पाए केवल सखी को पकड़ी थी तो हाथ में जो अंगूठी है या जो आभूषण है ये चल रही है तो नूपुर की धुनी धुनी से नूपुर के ध्वनि से ही वो सब कामार हो गए उधर से जब ये लौट रही थी तो अपने घूंघट को हटाई आगे जो बाल था उसको ऐसे की और हरे अर्पयंती वे भगवान को देख रही थी कि भगवान तो अब आ गए कृष्ण आ गए हैं तो उधर दृष्टि दे रही थी वो जो राजा थे उन पर उनका कोई ध्यान नहीं था वो भगवान को देख रही थी और एक तरह से अर्पयंती से शोभा अपने शोभा को भगवान को अर्पित कर रहे थे उनकी इच्छा थी के भगवान भी हमारे शोभा का दृष्टि भोग लगा ले हमको एक बार देख लें लेकिन अब भगवान को देखने के लिए वे अपने बाल को हटाए तो जो दूसरे राजा लोग थे तो उनके दृष्टि भी रुक्मिणी जी पर पड़ गई याम विक्ष ते नृपत तदा हास व्रीड़ा व लोकहत चेतश उज्जितास्त्र अब भगवान के तरफ दृष्टि डाल रहे स्वाभाविक ही लज्जा से युक्त मुस्कान था उनके चेहरे पर अब उसको देख करके तो सारी राजाओं का हृदय खींच गया और वो अपना शुद्ध बुद्ध खोने लगे तो उज्जितास्त्र उनके हाथ से हथियार गिर गया रुक्मिणी देवी कृष्ण के तरफ देख रही है उस क्रम में राजाओं की दृष्टि पड़ गई तो उनका अब कॉन्सनेस का लोप होने लगा अपने स्थिरता को वे खोने लगे अपने चेतना को खोने लगे शुद्ध बुध को खोने लगे और यह स्थिति पहुंच गई कि उनके हाथ से हथियार गिर गए और केवल हथियार ही नहीं गिरे, गिरेतु छित खुद भी भूमि पर गिर गए वे गए? कुछ कुछ राजा थे तो हाथी पर चढ़े थे कुछ कुछ राजा रथ पर थे गज रथ और अश्वगता कोई कोई घोड़ा पर बैठे थे और रुक्मिणी जी पर दृष्टि पड़ी वे भगवान को हंसते हुए देख रही हैं। लज्जा के साथ देख रही हैं और रुक्मिणी को देखने का असर हुआ कि वे इतने बेसुद्ध होने लगे कि उनका हथियार गिर गया और इतने तक ही नहीं रुके पेटी वे घोड़े पर बैठे थे तो धड़ से घोड़ा से नीचे मूर्छित होकर के वो नीचे गिर गए भूमि पर रथ पर थे वहां से लुढ़क करके भूमि पर और हाथी पर थे वहां से भी लुढ़क करके भूमि पर ये सौंदर्य का प्रभाव होता और वे स्त्रियां अपने हाव भाव से और कृष्ण को विमथुतुम से को उनको क्षुभित नहीं कर पाई लेकिन राधा रानी का ऐसा सौंदर्य है कि कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं सखियां तो चाहती हैं कि कृष्ण राधा रानी के सौंदर्य का आस्वादन करें, अब तो सखियां उपाय निकालती हैं कि कैसे कृष्ण राधा रानी का आस्वादन कर सके और तो उनके रूप को छिपाती है और तो ये प्रभुपा जी अनुवाद में लिख रहे हैं सम्मोहनी परा ये आकर्षण के अनेक साधन है एक साधन नहीं क्योंकि राधा रानी का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है एक कवि वर्णन किया है कि राधा रानी चलती हैं तो आगे आगे आसपास सब जगह सुगंध फैल जाता है आगे आगे आस पास फैलती वास पीछे पीछे भारी भीड़ भौरने के गान की गंध तो फैलता रहता है ना तो राधा रानी निकली तो आगे भी गंध छा जाता है और आसपास में भी गंध फैल जाता है वास खूब सुंदर सुगंध है और पीछे पीछे भारी भीड़ भौराने के गान के गंध है और भौरा पीछा करते हैं मरराने लगते हैं और मतवाले हो करके गाने लगते हैं तो झुंड के झुंड मो भौरे चल रहे हैं और उस गंध से इतने मतवाले हैं कि गान कर रहे हैं मतवाल हो करके के गान कर रहे हैं तो भावरों का गान बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन ताते अति निकी कि के झड़कार होती मोहिनी है मानो मन मोहन के कान की और भावरों का गान आकर्षक है दुनिया के लिए लेकिन उससे बहुत अधिक आस्वाद्य उससे भौवरों के गान से भी अधिक आकर्षक राधा रानी के नुपुर का ध्वनि है वे चल रही हैं तो किंकिनी की झनकार वे कमर में बांधी हैं तो उससे छोटे छोटे घंटी है उसका या जो चरण में नूपुर है तो उसमें भी छोटी छोटी घंटी होती तो उससे जो झनकार निकल रही है तो वह भावनों के गान से भी अधिक सुभावना है और मोहन है मानो मन मोहन के कान की और उनका जो झनकार है किंकड़ी का वह तो, तो कृष्ण के कान और मन दोनों को मोहने वाला है वो चरण के नुपुर के झनकार से या कमर के और करधनी में जो छोटी छोटी हैं है तो उसका झनकार कृष्ण को मोहित कर लेता है जग मग होती जाते ज्योति नवजौन की देखी गति भूली मती देव देवता और जिधर वे चलती हैं और रास्ता में अंजोर हो जाता है जगमग करने लगता है अब उसको देह करके देखी गति भूली मती देव देवता की राधा रानी की जो चाल है तो उसको देह करके देवी देवता अपनी स्थिति को भूल जाते हैं उनके स्मृति का लोप हो जाता है वो अब कुछ दूसरा चीज याद नहीं रख पाते वो देवी हो या देवता या देव देवतान ये रचना देव कवि की है तो देव कवि के जो इष्ट हैं कृष्ण देव के जो देवता हैं, तो वे भी राधा रानी के गति को देख करके उनके चाल को देह करके भूली मती उनके स्मृति खत्म हो जाती है सामू है गली के जो अली के संग भली भांति चली जा तो देखो वह ललि भान के देव कवि वर्णन से लगता है कि अस्पष्ट वे इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं आगे देखो देखो गहबर वन की घटना है और तो सामने ही तो गली में जा रही ब्रिश की लड़की और तो राधा रानी का ऐसा व्यक्तित्व है कि कृष्ण को आकर्षित करने के लिए सारा सामग्री वहां सुलभ है अब उनके मुख के वचन की बात तो दूर है उनके किंकडी के झनकार से कृष्ण मोहित हो जाते हैं राधा रानी क्या नृत्य की बात तो दूर है नृत्य नाच की बात तो दूर है केवल वो चलती हैं, तो उस गति को देख करके ही कृष्ण अपने स्मृति को खो देते अब उनको आगे पीछे कुछ याद नहीं रहता यह राधा रानी का व्यक्तित्व है इसको आप लोग है, है आप लोगों के पास पीछे पीछे बोलिए पीछे से आगे आगे आस पास फलते बेमल वास पीछे पीछे भारी भीर भौरनी के गान की आगे, आगे आस पास ग आगे आगे आस पास फलती बेमल वास पीछे पीछे भरी भीड़ भोरनी के गान की आगे आगे आस पास फलती बेमल वास पीछे पीछे भरी के की। ताते याते निके य के जान कार होती मोहिनी है मन मन मोहन के कन की ताते मतलब अच्छा आज भी एक प्रचलित शब्द है अति निकी भो के गान से बहुत अधिक आकर्षक है राधा रानी के किंकड़ी का झनकार अब मोहन के कान और मन की मोहिनी बनी ताते अते ने के केड़े के जन कर होती मोहिनी है मन मन मोहन के कान की आते आते निकी जग मग होते जात जोते न बजन की देखी गते भोली माती देव देवत नी दे समूह है गली जो अ समूह है गली जो अली के संग भली समूह है गली जो अली संग भली भांति चली जाती देखो वह लली ब्रीस भानु की समूह है गली के जो अली के संग राधा रानी का व्यक्तित्व तो परम आकर्षक और उनकी शोभा ऐसी है कृष्ण उसका आस्वादन कर सके इसके लिए राधा रानी की सखियाँ कृष्ण के शोभा को कुछ ढक देती हैं देखिए हमको तो बहुत इस समय उस शब्द के अनुसार नहीं याद है कभी कभी हम लोग देखते हैं ए सी डी सी का कुछ होता है चार्जर वो तो कुछ एडोप्टर अलग से लगाना पड़ता है वो दूसरे देश का कुछ डिवाइस है यहाँ कुछ अलग से एडॉप्टर नहीं तो उड़ जाएगा जल जाएगा कुछ कठिनाई आ जाती है ना और निकालो उसी तरह अब राधा रानी कृष्ण का नहीं राधा रानी की सखियाँ राधा रानी के श्रृंगार करती हैं और श्रृंगार कहें को करती हैं कि राधा रानी का रूप थोड़ा ढक जाए देखिए इस संसार की स्थिति है कि व्यक्ति अपने रूप में निखार लाने के लिए गहना का प्रयोग करता है आभूषण का प्रयोग करता है आभूषण डालने से हमारे अंग की शोभा कुछ बढ़ जाती है लेकिन कृष्ण का ऐसा व्यक्तित्व है कि आभूषण डालने पर उनके अंग के संपर्क से आभूषण की शोभा बढ़ जाती है वहाँ अब आभूषण उनके अंग की शोभा को नहीं बढ़ाता है उनके अंग के संपर्क से आभूषण का ही शोभा बढ़ जाता है और राधा रानी की स्थिति है कि आभूषण का प्रयोग किया जाता है राधा रानी के सौंदर्य को ढकने के लिए अब सखियों की योजना है कि कृष्ण थोड़ा वो देख सके और ढकेंगे नहीं अब निरावरण दर्शन करने पर तो मूर्छित हो जाएंगे जैसे सुने न कि रूप को देख करके मूर्छित हो जाते हैं राजा लोग दड़ गिर गए रुक्मिणी के रूप को देख करके तो कृष्ण की स्थिति है कि निरावरण कोई उस पर आवरण न रहे और राधा रानी के रूप को देखें मूर्छित हो सकते हैं तो राधा रानी के रूप को कुछ छिपा करके मोडरेट करने के लिए सखियाँ उनका श्रृंगार करती हैं छवि के छिपाई बेको को रसक के बढ़ाई बेको को अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई के राधा रानी की सखियाँ राधा रानी के खूब श्रृंगार करती हैं खूब आभूषण पहनाती हैं लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि राधा रानी का जो स्वाभाविक सौंदर्य है लावण्य है वो कुछ ढक जाए अरे ये तो उल्टा काम है तो कहे ना 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 रसक बढ़ाई को आखिर कृष्ण अपने शुद्ध बोध में देखेंगे तभी न कुछ रस अनुभव करेंगे मूर्छित हो जाएंगे तो रस का क्या अनुभव करेंगे और कृष्ण देख सके कुछ रसास्वादन कर सकें तो छवि के छिपाईवे को राधा रानी के सौंदर्य को छिपाने के लिए खूब रच रचकर से श्रृंगार करती हैं और देखे नासा पुटवे है प्रीतम भये विदे यही है तो बेसरी बनाई धरी चाय के और कृष्ण राधा रानी के नासिका को देख लें तो अब विदेही वो कॉन्सनेस खो जाएंगे अचेत हो जाएंगे तो इसलिए वे बेसर पहनाती हैं रच रच करके कि थोड़ा सा ढक जाए कि कृष्ण उसको देख सके वो कुछ ढाके न आभूषण न धारण करावे और कृष्ण अचेत हो जाएंगे रोम रोम जगमगे रूप की पर अति सके न संहारी हंसी चितई सु के अब ऐसा सौंदर्य है और खास करके जो मुस्कान है और कृष्ण उसको देह करके अपने को नहीं संभाल सके हितद्रुव विवाह से लटकी जाते छीन छीन याते सखी शोभा राखी है दुराई की कृष्ण के दृष्टि पड़ते हुए लटक जाते हैं मूर्छित जैसे हो जाते हैं अर्ध मूर्छित हो जाते हैं तो इसलिए राधा रानी की सखियाँ राधा रानी के सौंदर्य को थोड़ा आभूषण डाल करके छिपा देती हैं पीछे से आप आवृत्ति कीजिए छबी के छे पाए बे को रस के बढ़ाई बे को अंग अंग भूषण बनाये है बनाई के छबी के छे पाए बे को रस के बढ़ाई बे को अंग अंग, अंग छवि के बे को रस के बढ़ाई को अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई के

रोम रोम जग म गुप के रोमा रोमा जगा पानी पति पा सके न समरी हसी चित भाई कै रोम रोम जग म गुप रोम रो जग मग रूप के पनीपति पा सक समि हँसी चितई शो भाई के रो र <स्थाँगा>

है के। राधिका परासम्मोहिनी सम्मोहिनी प्रोक्ता परा साधारण है सम्मोहिनी क्यों हटाओ मत अभी परा अब सखियों कि इच्छा है कि कृष्ण राधा रानी के सौंदर्य का आस्वादन कर सके और समस्या यह है कि स्वाभाविक सौंदर्य को देखते हैं कृष्ण तो छिन छिन लटक ही जाते क्षण छाड़ पर उनको फिट मार देता है अचेत हो जाते हैं तो और ठीक से आस्वादन कर सके, देख सके, और खूब रच रच करके श्रृंगार करती है ये थोड़ा ढक जाए आभूषण से और कृष्ण देख सके। इसी को कह रहे हैं कि छपी के छिपाई बेको, भाई इसके पीछे क्या उद्देश्य रस के बढ़ाई बेको, अब देखने से फीट मार रहा है तो क्या आस्वादन कर पाएंगे थोड़ा कृष्ण आस्वादन कर सके, और इसके लिए उसकी योजना है सखियों की साथ में आप लोग बोलिए छवि के छिपाई को के बढ़ाई अंग अंग भूषण है वो साथ बोलने का छूट है लेकिन थोड़ा अनुशासन का भी ध्यान रखना चाहिए लीडर के पीछे चलना अच्छा माना जाता है स्टेयरिंग अपने हाथ में ले लेना इसको बहुत अच्छा नहीं माना ड्राइवर को अपने सीट पर रहने दीजिए बोलिए छवी के रस के बढ़ाई को अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई के देखना सा पुटबे हीतम है देसरी बनाई दरी चाई के चाई के मतलब चाव से रोम रोम जग मांग रूप के पानी पति पा सके न समारी हसी चितई सुभाई के हित ध्रुव विवस लटकी जात छिन छिन यते सखी सभा सब राखी है दुराई चैतन्य चरितामृत का श्लोक है देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी मई सर्व कांति सम्मोिनी पर एक, -एक जो पद है आस्वाद्य है व्याख्या की आवश्यकता है लेकिन दो दिन में हम थोड़ा सा देवी पद पर कंसंट्रेट किया और पर परासम्मोिनी वे परम सम्मोहिनी है कृष्ण को भी मोहित कर लेती है अब पर देवता बोलने की बहुत इच्छा थी लेकिन जितना समय था उसके अनुरूप कुछ राधा रानी का स्मरण किया गया आज तो बहुत अधिक समय हो गया है हम यहीं बंद करते हैं हरे कृष्णा